Hello radiographers, I am also a radiographer. My name is Amir Sayed and today we are going to learn detailed filming process of CT lower limb angiography with format. So today we will learn how to make films, how to make slice cutting and how to do 3D cutting of lower limb angio and how to adjust all these things in film format, how to do contrast adjustment and all the process. So today we will learn all these things. So let's start the process. तो रेडियोग्राफर सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना है. पेशेंट का स्कैन सेलेक्ट करना है. इसके बाद में इसके सारे सीरीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. लाइक यू कैन सी हियर, फर्स्ट है टोपोग्राम मींस स्काउट इमेजेस, फिर प्लेन स्कैन, आर्टिकल थिन, वेनस और वेनस थिन. तो लोअर लिम एंजियो का फिल्म बनाने के लिए हमें सिर्फ आर्टिकल थिन का ही यूज होगा. तो आर्टिकल थिन सिलेक्ट करना है और इसे वॉल्यूम व्यूअर में अपलोड कर देना है. इस तरह से वॉल्यूम व्यूअर में अपलोड करने के बाद में, यदि अपलोड हो रहा है, वॉल्यूम व्यूअर में अपलोड होने के बाद में ये लोअर लिम के सेक्शन में ऑटोबोन एक्सप्रेस रन ऑफ ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि जो बोन था जितना भी वो ऑटोमेटिकली रिमूव करके देगा सॉफ्टवेयर हमें. तो ये भी प्रोसेस हो रहा है. इमेजेस ज्यादा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है. ये प्रोसेस अभी हो रहा है. तो ये परफॉर्म हो रहा है अभी ऑटोबोन एक्सप्रेस. ये बोन रिमूव करके मिल चुका है हमें. बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स रीजन का बोन रिमूव नहीं हुआ है. वो इसे ट्रेस नहीं कर पाया तो हमें इसे मैन्युअली निकालना होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, बोन को सिलेक्ट करना है और रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है. ये ऑलरेडी रिमूव पे सिलेक्टेड है तो हमें जो भी एरिया नहीं चाहिए उसे ट्रेस करना है इस तरह से और ये रिमूव कर देगा उसे. तो इस तरह से हमें ट्रेस करके रखना है. जो भी अननेसेसरी पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हमें इस तरह से रिमूव करना होगा. पर हाँ, रिमूव करते टाइम पे या कट करते टाइम पे आपको ध्यान देना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कट ना हो. मींस जिस पार्ट का स्कैन मांगा है डॉक्टर ने वो कट ना हो स्कैन. तो ये रिमूव करना है अच्छे से. अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है ये और यहाँ पे कोई आर्टरी नहीं है तो हम इसे सीजर सेगमेंट पे आके ये सीजर का आइकन हमें सिलेक्ट करना है और इसे हम इस तरह से कट करके भी रिमूव कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे कोई आर्टरी नहीं है तो हम ये सॉफ्ट टिश्यू कट करेंगे तो कोई आर्टरी कट नहीं होने वाली, तो हम इस तरह से कट करके भी निकाल सकते हैं उसे. तो इसी तरह से यहाँ पे टो भी रिमूव नहीं हुआ है, सॉरी टो नहीं, इसके जो आपको यहाँ सेगमेंट पे आना है, ऑटो सिलेक्ट पे आना है और बोन को सिलेक्ट करना है और इसे रिमूव के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके ये रिमूव करना है इस तरह से. जो भी एक्स्ट्रा बोन आ गया है तो उसे आपको रिमूव करना है इस तरह से. इस तरह तो रिमूव कर लेना है. इसी तरह से यहाँ पे भी हल्का सा दिख रहा है तो ये भी हम रिमूव कर लेंगे इसी तरह से. जहां पे भी एक्स्ट्रा बोन या फिर कैल्सिफिकेशन है जो आर्टरी में इन्वॉल्व नहीं है आपको उसे निकाल देना है. ओके, तो निकालने के बाद में एक बार आपको वापस से आर्टरी को ट्रेस करना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का मिस हुआ है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल वेसल पे क्लिक करना है, ऐड के ऑप्शन पे रख के हमें आर्टरी पे इस तरह से क्लिक करके ट्रेस करना है. तो ये आर्टरी को ट्रेस करेगा. यहाँ पे छूटा हुआ है हल्का सा तो मैं ये ट्रेस करने की कोशिश करूंगा. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेस हुआ बट हल्का सा बोन भी आ गया. तो ये जो लास्ट मैंने किया हूं इसे अंडू करूंगा और आर्टरी को ट्रेस करने की कोशिश करना है. तो ये देख सकते हैं आप आर्टरी ट्रेस हो रहा है. तो जहां पे भी मिस हुआ है आपको उसे ट्रेस करना है.
इस तरह से हमें ट्रेस करना है। इस तरह से ट्रेस करना है ये ट्रेस कर लेना है जितना हो सकता है। तो ये अभी ऑलमोस्ट पूरा ट्रेस हो चुका है। इसके बाद में अभी इसका स्लाइस कट बनाना है, तो इस पे राइट क्लिक करना है आपको, एनोटेशन पे आके नो एनोटेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा एनोटेशन रिमूव करने के लिए, आपको ओके करके एनोटेशन रिमूव करना है। फिर यहाँ ए पे क्लिक करना है, मीन्स इंटीरियर जो इसका एक्चुअल पोजिशन था उस पोजिशन में ये आ जाएगा। फिर फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है, रोटेट पे क्लिक करके इस इमेज पे क्लिक करना है और आपको 7 इमेज बनाना है, 7 आपको टाइप करना है कीबोर्ड से। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं ये बन चुका। इसके बाद में क्लोज करना है और इसे ओके कर लेना है। अब इसे आप एग्जिट कर सकते हैं या आपको सेव स्टेट करना हो तो इस ये वॉच के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट डाल के सेव स्टेट कर सकते हैं। मीन्स आपको इस इमेज का कभी और आगे काम होगा तो आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सेव स्टेट हो चुका है। इसके बाद में अब हमें वापस से आर्टिकल थीम सिलेक्ट करना है और इसे रीफॉर्मेट में अपलोड करना है। रीफॉर्मेट में इसे अपलोड करने के बाद में आपको तीनों प्लेन्स में लाइक एक्सियल कोर सैच सब में आपको 12 एमएम का मिप थिकनेस देना है। 12 एमएम आपको टाइप करना है कीबोर्ड से, इस तरह से कर्सर रखना है और 12 एमएम आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। 12 एमएम का मिप थिकनेस देना होगा आपको एक्सियल कोर सैच सब में। ये होने के बाद में आपको फिर एरिया कवर करना है, मीन्स आपने जितना स्कैन में कवर किया था उतना ही आपको फिलिंग में भी देना होगा। इस इमेज पे आना है और आपको यहाँ क्लिक करके फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है, लूप पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और इसी तरह से जब टो तक आ जाए यहाँ पे आपको सेट एंड करना है। सेट एंड करने के बाद में आपको इसका इमेज बनाना है, 96 कीबोर्ड से टाइप करना है, इस तरह से 96 इमेज बन जाएगा और इसे ओके कर लेना है, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद में कॉर्नल इमेजेस बनाने हैं आपको, तो ऊपर की तरफ में जाना है इंटीरियर साइड में और आपको यहाँ पे आर्टरी शो हो रहा है। अब मैं इसके और ऊपर जाऊंगा तो आर्टरी डिसअपियर हो जाएगा, तो हमें सिर्फ आर्टरीज को ही देखना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, पैन को सिलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप आर्टरीज देख सकते हैं। मैं आपको इसे एक सिंगल विंडो में करके दिखाता हूँ। आपको आर्टरीज एंड होने तक का ही सिर्फ इसे कवर करना है, लाइक यहाँ पे आर्टरी यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी कवर हो चुकी है। अगर मैं इसके पीछे जाऊंगा तो आर्टरीज डिसअपियर हो जाएगी और इसके पीछे और कोई आर्टरी नहीं है। तो यहाँ पे सेट एंड करना है और 21 इमेज आपको बनाना है कीबोर्ड से, 21 इमेज बन गया। इसके बाद में ओके करना है, मैं इसे वापस से मल्टी स्क्रीन कर लेता हूँ, मल्टी विंडो, और फिर अब हमें सैज का फिल्म बनाना है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर पेशेंट का रेफरिंग फिजिशियन अगर किसी एक स्पेसिफिक लोअर लिम का फिल्म स्कैन मांगता है तो आपको वो लोअर लिम की स्पेसिफिक लोअर लिम ही आपको फिल्म में देना होगा। राइट का मांगता है तो सिर्फ राइट का इमेज, लेफ्ट का मांगता है तो सिर्फ लेफ्ट का इमेज। अगर बोथ लोअर लिम जो का स्कैन मांगता है डॉक्टर तो आपको बोथ लोअर लिम आपको फिल्म में भी कवर करना होगा। तो मैं फिलहाल आपको बोथ लोअर लिम का फिल्मिंग बता रहा हूँ। तो मैं अभी राइट साइड की तरफ में जा रहा हूँ, आप यहाँ ट्रिगर देख सकते हैं, राइट साइड की तरफ में स्क्रोल कर रहा हूँ, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, आपको एक सिंगल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आर्टरी शो हो रही है लास्ट, मैं इसके आगे जाऊंगा तो इसके आगे और कोई आर्टरी नहीं है, तो लास्ट आर्टरी यहाँ पे लेग में है, लोअर लेग। यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, सेट स्टार्ट करना है और फिर मैं लेफ्ट साइड की तरफ में स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ में जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड इस तरह से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और लास्ट आर्टरी यहाँ पे फिबुला के पास दिख रही है, यहाँ पे सेट एंड करना है और अब आपको सैच का इमेज बनाना है 24 आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। ये बन गया, अब इसे ओके कर लेना है। अब ये 24 इमेज भी बन गया, इसे वापस मल्टी स्क्रीन कर लेता हूँ, मल्टी विंडो। अब इसके बाद में हम यहाँ चेक कर लेते हैं, हाँ हमारा एक्चुअल
कॉस्ट या सब कुछ बन चुका है, अब इसके बाद में से हमें एग्जिट कर लेना है। तो अब हमारा स्लाइस कटिंग का काम हो चुका, अब हम फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फिल्मिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने जो 96 इमेज एग्जिट का बनाया था इसे मैनुअल फिल्म में डाल देना है और इसे मिनिमाइज करके नीचे की तरफ में ड्रैग करना है। फिर 21 इमेज हमने जो कॉर्नल का बनाया था इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देना है इस तरह से, और फिर हमने जो 24 इमेज कॉर्नल का बनाया था इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देना है। फिर इसके बाद में फुल स्क्रीन करना है, फर्स्ट फिल्म पे आना है और ये सबका फॉर्मेट आपको सेट करना है। तो एक्शन का फॉर्मेट जो है वो है 4x8, 4x8 के फॉर्मेट में आपको एक्शन इमेजेस सेट करने हैं। इस तरह से छह तीन फिल्म बनेगा एक्शन फिल्म का। इसके बाद में कॉर्नल इमेज का 7x3 में बैठ जाएगा ये, और फिर साइज का आपको रखना है 8x3। तो इस तरह से पांच फिल्म बन जाएगा रूटीन, और आपको छठा फिल्म लेना होगा 3D कटिंग का। इसके बाद में कोई सिंगल इमेज सिलेक्ट करना है आपको, उस पर राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करना है, इसको थोड़ा सा ग्रेज करना है, लाइक आर्टरी और बोन में डिफ्रेंशिएट हो पाए। हाँ, तो इसके बीच में फर्क पता चले, अगर दोनों का सेम एनहांसमेंट रहेगा तो पैथोलॉजी नहीं मिल पाएगा। ये होने के बाद में डिस्प्ले फील्ड में आना है, ऑल एनिमेशन को अनसेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, फिर इस इमेज पे राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पेज करना है। तो इससे क्या होगा, एनिमेशन सारे फील्ड पे से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट इमेज पे आपको एनिमेशन डालना है, राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड ऑल कन्फर्म क्लोज। इसी तरह से हर फिल्म के फर्स्ट और लास्ट इमेज पे आपको एनिमेशन डालना है, डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल कन्फर्म क्लोज इस तरह से फर्स्ट और लास्ट देना है। डबल क्लिक करके पूरा पेज सेलेक्ट करना है और इसे जूम करना है, तो आपको मैक्सिमम जूम रखना है। बस ध्यान देना है कि आर्टरी कट ना हो, तो ये पेरिटोनियल कैविटी कट हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू कट हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज सिर्फ लोअर लिम एनजियो का फिल्म स्कैन हुआ है, तो हमें सिर्फ आर्टरी शो करना है। सॉफ्ट टिश्यू कट होगा वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। एनोटेशन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट इमेज पे आपको डालना है एक्सियल मिड एनजियो, इस तरह से एक्शन मिड एनजियो एनिमेशन आपको डालना है। मैं एडिटर में आपको शो करता हूं इस तरह से एक्शन मिड एनजियो लिख गया है, इस तरह से लिखना है। फिर सेकंड क्लिक पे आना है, इसे भी डबल क्लिक करके जूम कर लो, जूम करना है। फिर फर्स्ट और लास्ट में एनिमेशन डालूंगा, राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल कंफर्म क्लोज। लास्ट इमेज राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, कंफर्म क्लोज, इस तरह से हो गया। फिर सेकंड फील्ड पे आना है, इसे भी डबल क्लिक करके पूरा पेज सेलेक्ट कर लीजिए, जूम करना है, इस तरह से जूम कर लीजिए, जूम करना है। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो फूड का एरिया है यहाँ पे हल्का कट हो रहा है, तो इसे आपको एडजस्ट करना है मैन्युअली। ये हल्का कट हो रहा है तो इसे हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट में हम एनिमेशन डाल देंगे, डिस्प्ले फील्ड, ऑल कन्फर्म क्लोज, राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल कन्फर्म क्लोज, इस तरह से डालना है। फिर सॉरी एडिट का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, कॉर्नर वाले इमेज पे आना है, एनिमेशन डाल देंगे हम, एनिमेशन डालने के बाद में इसे जूम करना है, डबल क्लिक करके पूरा पेज सेलेक्ट कर लीजिए और एक बड़ा इमेज पकड़ के जूम कर लीजिए, जूम करना है। आपको अगर लगता है आप कि स्क्रीन में बराबर से जो इन्हांसमेंट है वो शो नहीं हो रहा होगा, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट शो नहीं हो रहा होगा, तो आपको आपके हिसाब से रखना होगा कि आर्टरीज हाईलाइट होगी शो, क्योंकि एंजियोग्राफी है, तो आपको वो हिसाब से सेट करना होगा। फिर मैं अब साइज में आ गया और इस तरह से एनिमेशन डाल देना है और इसे भी जूम कर लेना है, इस तरह से जूम करना है। अब ये भी सेट हो चुका, यहाँ पे एनिमेशन डाल देते हैं साइज पे, यहाँ पे एनिमेशन डाल देंगे साइज राइट टू लेफ्ट निक एंजियो। तो मैंने राइट टू लेफ्ट टू डाला बिकॉज मैंने राइट साइड से स्लाइस कटिंग स्टार्ट किया था और लेफ्ट साइड की तरफ मैं एंड किया था, तो इस तरह से लिखना है साइज राइट टू लेफ्ट निक एंजियो। आपको ये एनिमेशन डालना होगा, कॉर्नर पे भी हमें डालना है, कॉर्नर वाले पे आके इस पे लिखेंगे कॉर्नर निक एंजियो,
यहाँ पे आपको लिखना है। ये होने के बाद में इसे मिनिमाइज कर लीजिए, और इसके बाद में हमने जो 7 इमेज 3D कटिंग का बनाया था वो एक्चुअल में यहाँ पे 8 इमेज सेव हुआ है। फर्स्ट इमेज पे हमें प्रीव्यू शो करता है तो उसका काम नहीं है, पहले हम इसे मैनुअल फिल में डाल देंगे। मैनुअल फिल में डाले, हमने सिर्फ 7 बनाया था बट यहाँ पे 8 आया है, तो फर्स्ट वाला इमेज हम कट कर देंगे, उसका काम नहीं है। हमें फॉर्मेट सेलेक्ट करना है 5x2, और फिर इस फर्स्ट वाले इमेज को हम डिलीट कर देंगे या कट कर देंगे, और इस फर्स्ट वाले बॉक्स को, सिंगल बॉक्स को 4 बॉक्स में एक्सपांड करेंगे। इस तरह से एक्सपांड करना है, डबल क्लिक करके पूरा पेज सेलेक्ट करना है और इसे जूम करना है। इस तरह से जूम कर लीजिए, जूम करना है आपको। जूम करने के बाद में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करना है कि आर्टिस्ट अच्छे से शो। इसके बाद में आपको किसी एक साइड में मेंशन करना है कि राइट लिम कौन सा है, लेफ्ट लिम कौन सा है। मैं बस यहाँ पे राइट लिम लिख दे रहा हूँ, राइट साइड पे, बस एक साइड में आपको किसी एक साइड में लिखना रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया, अब ये हमारा 6 फिल्म कंप्लीटली बन चुका है। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ सिटी लोअर लिम एंजियोग्राफी। मैं आपको एक बार फिर से फिल्म फॉर्मेट बता देता हूँ। आपको 96 इमेजेस एक्चुअल मिड एंजियो के बनाने हैं और उसको फॉर्मेट देना है आपको 4x8 के फॉर्मेट में। एक्सेल का 3 फिल्म बनेगा। इसके बाद में आपको कॉर्नल का बनाना है 21 इमेजेस और उसका फॉर्मेट रहेगा 7x3, और इसके बाद में आपको 24 इमेजेस बनाना है सैज का, सैज बिप का, और उसका फॉर्मेट रहेगा 8x3, और लास्ट में आपको 7 इमेज 3D कटिंग बनाना है लोअर लिम एनजीओ का। तो इस तरह से टोटल आपका 6 फिल्म बनेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।